मोक्ष यात्रा दैनिक ध्यान में आज का विषय समर्पित। हे हमारी बहन, हे भाई, तू हजारों लाखों की आदि माता हो। उत्पत्ति 24:60। किसी सेवक विश्वासी के घर में उनको मिलने के आते। वह परिवार के लोग उन्हें स्वागत करके बैठा दिए थे। उस घर की जवान लड़की उनके लिए चाय बनाकर लाई थी। चाय को लेकर सेवक उस लड़की से पूछे थे, क्यों बेटी तू अपने को सेवा में समर्पित नहीं करना है करके। तुरंत गड़बड़ से, साहब मैं तो अभी जवान लड़की हूँ, कॉलेज पढ़ रही हूँ, इसके बाद नौकरी, फिर मेरा शादी, उसके बाद परिवार, फिर मेरा भविष्य, ऐसा करके बताते जा रही थी। 60 उम्र के बाद मेरे से जो सेवा बनेगा करूंगी, बोली थी। आधा चाय को पीते हुए सुन रहे थे सेवक, जो पी रहे थे चाय को, उसको देखकर बचा हुआ को पी लेना बेटी करके हंसते हुए बोले थे। उस जवान लड़की को तो गुस्सा आया था। उनके परिवार वाले भी नहीं समझते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। वह सेवक हंसते हुए बात बताए थे, आधा चाय को देने से तुरंत तुझे कैसे गुस्सा आया था। तू भी अपने बल के जिंदगी पूरा तेरे लिए जीकर बचा हुआ जिंदगी को तेरा सृष्टिकर्ता प्रभु को दूंगी बोल रही है करके बोले थे। उसको सुन के जवान लड़की सोचने लगी थी। कुछ दिनों में अपने को प्रभु के लिए समर्पित की थी। इसके जैसे पवित्र बाइबल में भी एक स्त्री अपने को समर्पित की थी तो आशीर्वाद को प्राप्त की थी। बहुत बड़ा अमीर के रूप में रहा हुआ अपने मालिक अब्राहम का बेटा के लिए उसका घर का दास लड़की ढूंढकर आने के समय में प्रभु से एक चिन्ह को भी मांगा था। उस चिन्ह के अनुसार पानी लेने के लिए आई हुई रिबका के पास गया था। वह लड़की भी मना नहीं बताते हुए उसको भी, उनके 10 ऊंट लोगों को भी पानी पिलाई थी और उस दास को अपने घरानों को मुलाकात करवा कर भी, अपने परिवार वालों के पूर्ण सहमति के साथ भी, अभी तक नहीं देखा हुआ दुल्हा के लिए अपने को समर्पित करके उस दास के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। पूर्ण जिंदगी को भी प्राप्त की थी। इसको पढ़ रहे हैं, हे भाई, हे बहन, आपकी जिंदगी को प्रभु का इच्छा के लिए समर्पित किए हैं क्या, या आपके मन के अनुसार जिंदगी बिताकर बचा हुआ जिंदगी को देने वाले हैं क्या। हमें पूरी रीति से प्रभु के लिए समर्पित करेंगे तो जिंदगी आशीष किया जाएगा, दूसरों को भी प्रयोजन जिंदगी के रूप में जमेगा।